Welcome dear students once again in another part of organic chemistry, and our today's topic is IUPAC nomenclature of organic compounds, aliphatic compounds. तो इससे पहले हमने previous part में देखा था that there is a general formula for giving IUPAC name to any organic compound. तो उसमें हमने सीखा था word root and primary suffix. So let's start with secondary suffix. आज हम तीसरा जो इसमें देखेंगे दैट इज द सेकेंडरी सुफिक्स. ये जो सेकेंडरी सुफिक्स है इट इंडिकेट्स द फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ये जो सेकेंडरी सुफिक्स है इट इंडिकेट्स फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी सुफिक्स हुआ करता है. तो सेकेंडरी सुफिक्स जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है, अल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप OH हुआ करता है. ऑलरेडी हमने देखा हुआ है दैट इन अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप इज OH. तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी सुफिक्स यूज करेंगे दैट्स अवर ऑल. सो नाउ लेट्स स्टार्ट गिविंग नेम टू द अल्कोहल्स अकॉर्डिंग टू IUPAC. So, अगर हमारे पास CH3OH है, ये हमारा अल्कोहल है बिकॉज इट कंटेन्स द OH फंक्शनल ग्रुप. तो पहले हमें कहां से स्टार्ट करना है, वर्ड रूट से. आई होप दैट यू आर रिमेम्बरिंग वर्ड रूट. यहाँ पे एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट दैट इज मिथ. इसके साथ हम क्या ऐड करते हैं, देखो यहाँ पे ये अनसेचुरेटेड है. दिस इज सेचुरेटेड. दिस नॉट अनसेचुरेटेड. अनसेचुरेटेड मीन्स इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. अगर होता तब हम इन और आयन का यूज करते. चूंकि ये सैचुरेटेड है तो हम प्राइमरी सुफिक्स यूज करेंगे दैट्स एन, और उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स है ना. प्राइमरी सुफिक्स के बाद जो हम ऐड करेंगे दैट विल बी डेफिनेटली सेकेंडरी सुफिक्स. तो अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए हम सेकेंडरी सुफिक्स ऑल का ऐड करते हैं. पर यहां पे एक इंपॉर्टेंट रूल ये है दैट वेन एवर वी हैव एनी वॉवल लेटर है ना, ये जब भी होंगे ए है ना, आई ओ यू वाई, ये भी मैंने बताया था, जब भी ऐसे होंगे तो तब हम ये जो ई है इट इज टू बी ओमिटेड. यहाँ पे ऑल का जो ओ है इट इज वॉवल, तो ये वॉवल है इसलिए ई जो है इट इज टू बी ओमिटेड, इसको हम ओमिट करते हैं. सो व्हाट विल बी नाउ द नेम, इट विल बी मीथेनॉल. सो दिस इज करेक्ट आईपीसी नेम. तो अभी हम ये जनरल देख रहे हैं, फिर हम वो रूल्स पे आ जाएंगे. सो लेट्स से अगर हमारे पास ये CH3CH2OH है तो डेफिनेटली वर्ड रूट इसमें दो कार्बन है, सो इथ. उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड है, सो प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे दैट इज द एन. पर एन का ई जो है वो ओमिट करेंगे बिकॉज ऑल का जो ओ है दैट्स वॉवल, सो इट्स इथेनॉल. सिमिलरली अगर हमारे पास ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर हम ये कोई अल्कोहल दिखा रहे हैं तो यहाँ पे भी ये भी आपको समझ में आना चाहिए. यहाँ पे वन कार्बन, टू, देन थ्री, फोर कार्बन इसके अंदर है. चार कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है दैट इज डेफिनेटली ब्यूट. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट इज ब्यूटेन. ब्यूटेन का ई जो है ओमिट करेंगे, ये मैंने बता के रखा. उसके बाद ऑल सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, सो इट्स ब्यूटेनॉल. सिमिलरली इट कैन बी समटाइम्स अल्कीन होगा, अनसेचुरेटेड भी हो सकता है ना, जस्ट लाइक दिस. अगर ये हमारे पास अल्कोहल है और यहाँ पे दिखाया गया है दैट देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो इसमें भी कितने कार्बन है. पहले स्टार्ट कहां से करना है, वर्ड रूट से. ये तीसरे नंबर पे आएगा सेकेंडरी सुफिक्स. तो यहाँ पे वन, टू, थ्री कार्बन इसके अंदर है, तो दैट्स योर प्रॉप. वर्ड रूट विल बी प्रॉप. उसके बाद देयर इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, चाहे एक हो या दो हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे अब आ जाएगा प्राइमरी सुफिक्स दैट इज ई. So, इन का भी ई जो है वो ओमिट हो जाएगा और उसको हम लिखेंगे देन सेकेंडरी सफिक्स. सो इट इज प्रोपीनॉल. सो डेफिनेटली व्हाट इट इज आईपीसी नेम विल बी प्रोपीनॉल. अभी हम यहाँ पे नंबरिंग के बात नहीं करेंगे, नंबरिंग हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम रूल्स पढ़ेंगे. अभी मैं ये जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको नाम आना चाहिए देना. सो दिस इज इनकेस ऑफ अल्कोहल्स. सिमिलरली हमारे पास है एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स जो है, एल्डिहाइड्स में वी ऑलरेडी नो दैट द फंक्शनल ग्रुप इज CHO, है ना, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ. तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे दैट्स अल, ए एल आर.
सो सैम यहाँ पे भी रूल अप्लाई होगा, ए जो है वॉवल है सो ई इज टू बी ओमिटेड, ठीक है. सो ओके लेट्स स्टार्ट गिविंग द नेम. हमारे पास ये एच सी एच ओ है, ठीक है. तो डेफिनेटली इट कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप सी एच ओ. इसमें एक कार्बन है तो वर्ड रूट से हम स्टार्ट करेंगे. एक कार्बन मीन्स मिथ, राइट. उसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ ये यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है. तो ये सैचुरेटेड है, सो दैट्स एन. सेकंड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का अल हम यूज करेंगे. अब यहाँ पे भी ए वॉवल है तो ई इज टू बी ओमिटेड, सो व्हाट विल बी इट्स नेम, इट विल बी मिथेनल, जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, राइट. तो सिमिलरली अब आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हमारे पास होगा सी एच थ्री सी एच ओ, राइट, सी एच ओ, ठीक है. तो इसका डेफिनेटली दो कार्बन है सो दैट्स ई. उसके बाद एन, एन का ई जो है वो ओमिट हो जाएगा सो डेफिनेटली इट इज इथेनॉल. सिमिलरली वी कैन हैव जस्ट लाइक दिस, अगर ये हमारे पास है यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एच लगा हुआ, तो ये भी हमारा एल्डिहाइड ही है. ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाया गया है. एक्चुअली यहाँ पे भी वन कार्बन है, टू थ्री और यहाँ पे ये चौथा कार्बन है, ठीक है. तो चार कार्बन है इसके अंदर, सो दैट्स योर ब्यूट. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देखो ये जो है दिस इज कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये तो एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप का है. ये जो सी एच ओ है इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन सिंगल बॉन्ड एच, ऐसे करके ओपन इसको हम दिखा सकते हैं सी एच ओ फंक्शनल ग्रुप को. तो वो वही यहाँ पे दिखाया गया है, दैट्स इट सी डबल बॉन्ड ओ देन इट इज एच. तो ये भी सी एच ओ है, ये भी सी एच ओ है, तो ये भी एल्डिहाइड ही है. तो चार कार्बन इसके अंदर है, वन टू थ्री फोर, सो दैट्स ब्यूट. सिंगल बॉन्ड, सो प्राइमरी सफिक्स, दैट्स एन. एन का ई ओमिट करेंगे, देन इट्स अल, सो इट्स ब्यूटेनल, राइट. सो आई होप कि यहाँ ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं. ये हमने देखा अभी अल्कोहल्स में और ये हमने देखा इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स. सो नाउ लेट्स सी इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है that is the carboxylic acid. Let's see, अगर ये हाँ carboxylic acids जो है इनमें जो functional group होता है already हमने देखा है, that's our COO and H, है ना. Actually इसको open मैंने बताया था, ऐसे करके ये होता है. Carbon is always tetra covalent in organic compounds. यहाँ पे carbon ने दो bond oxygen के साथ बना है और दो ऐसे हैं, एक यहाँ से ऑक्सीजन के साथ और एक होगा यहाँ पे चैन के कार्बन के साथ. तो यहाँ पे भी इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे, दैट इज द ऑयक एसिड. ऑयक एसिड जो है ये हम यूज करेंगे एज सेकेंडरी सफिक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट गिविंग नेम. ये जो पहला मेंबर है हमारे पास एच सी ओ एच, तो यहाँ पे एक कार्बन इसके अंदर है, तो डेफिनेटली व्हाट विल बी द वर्ड रूट, मिथ. उसके बाद क्या करते हैं हम, प्राइमरी सुफिक्स है ना, प्राइमरी सुफिक्स ये सैचुरेटेड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम एन का यूज करेंगे. और उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स, दैट इज द ऑयक एसिड, तो यहाँ पे भी वी आर हैविंग ओ एज वॉवल, वॉवल लेटर, तो यहाँ पे ई इज टू बी ओमिटेड, सो व्हाट विल बी इट्स नेम, इट विल बी मिथेनोइक एसिड. सो मिथेनोइक एसिड. सिमिलरली कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच. इसमें तीन कार्बन है, वन टू थ्री. देखो सभी कार्बन आपको काउंट करने हैं. इन केस ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम, चाहे कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अंदर हो या चाहे कार्बन चैन के अंदर हो, अल्काइल ग्रुप के अंदर हो, आपको सभी कार्बन काउंट करने हैं. सो वन टू थ्री, डेफिनेटली इट इज प्रॉप वर्ड रूट. अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसके अंदर है, सो एन का हम यूज करेंगे, पर एन का ही ओमिट करेंगे, एंड देन वी विल ऐड द सेकेंडरी सफिक्स ऑयक एसिड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, सो इट इज डेफिनेटली प्रोपेनोइक एसिड. सिमिलरली वी कैन हैव द नेक्स्ट मेंबर, है ना, होमोलॉग सीरीज हमने ऑलरेडी देखा है. प्रोपेनोइक एसिड के बाद ब्यूटेनोइक एसिड, देन इट विल बी पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड एटसेट्रा. सो नाउ लेट्स सी अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको हम कीटोन्स कहते हैं. तो कीटोन्स जो है इनमें फंक्शनल ग्रुप जो है, दैट इज दिस वन सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे. तो
तो इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो हम यूज करेंगे सेकेंडरी सफिक्स, दैट्स वन, ओ एंड ई, सेकेंडरी सफिक्स इज वन. तो यहाँ पे जस्ट लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस कीटोन, दैट इज सी एच थ्री, सी डबल बार ओ सी एच थ्री. इसका नाम हमें देना है, तो कैसे देंगे? पहला काम जो है दैट्स वर्ड रूट से स्टार्ट करना है. वर्ड रूट मीन्स इसमें तीन कार्बन है, तो डेफिनेटली इट इज प्रॉप. उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, हमें कार्बन चैन को देखना है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो डेफिनेटली इट इज प्रोपेन, है ना. पहले एन लिखेंगे, पर एन का ई यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओमेट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन का जो ओ है इट इज वॉवेल. सो कैसे फिर हम पूरा नाम देंगे, इट विल बी प्रोपेनोन. अब इसको हम पढ़ेंगे प्रोपेनोन, राइट. यहाँ पे वन पढ़ा, यहाँ पे प्रोपेनोन पढ़ेंगे. सिमिलरली कि कोई भी कीटोन आप ले सकते हैं, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर ये वाला हमारा कीटोन है, इट इज हियर सी डबल बॉन्ड, है ना, कीटोन है. यहाँ से मिथाइल, ये अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 इट इज पेंटाइल, है ना. यहाँ पे आप कार्बन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सात कार्बन इसके अंदर है, सो डेफिनेटली इट इज हेप्ट. उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सो इट्स हेप्टेन. उसके बाद वन दैट इज हेप्टेनोन, है ना. ए एन ई जो है उसका ई ओमिट होगा, ये अब आपको खुद ही समझ में आना चाहिए. तो ये है कीटोन्स. सिमिलरली हमारे पास है जस्ट वी आर हैविंग अमाइन्स. अमाइन्स जो है इनमें हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप जो है दैट्स NH2, इनके साथ प्राइमरी अमाइन्स. बाद में जब इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे वी आर हैविंग सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन्स ऑल्सो. तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट इज द अमाइन. तो यहां पे भी जस्ट वी आर हैविंग दिस वन CH3 NH2, है ना. ये NH2 फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्काइल है, मिथाइल ग्रुप, राइट. अल्काइल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे एक कार्बन है ना, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, मिथ. उसके बाद क्या यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स दैट इज सैचुरेटेड है, तो एन. उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स दैट्स योर अमाइन. अमाइन यहाँ पे यूज करेंगे. अब जोड़ के बता दो, ए यहाँ पे वॉवेल, सो इसका जो ई है दैट्स टू बी ओमेटेड, है ना. ई यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओमेट, इसको कट करेंगे. सो व्हाट विल बी द नेम, इट विल बी मिथेन अमाइन. सो मिथेन अमाइन जो होगा इट विल बी, इट इज करेक्ट IUPAC नेम. तो किसी भी अमाइन का नाम आप दे सकते हैं. जस्ट अगर हमारे पास दो कार्बन है, लेट्स से 1 2 और यहाँ पे NH2 है, तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी इथेन अमाइन. सिमिलरली देन प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन, एटसेट्रा. ऐसे करके हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करेंगे. तीसरा स्टेप है ये ना, पहला हम क्या काम करते हैं, अरे वर्ड रूट दिया करते हैं. उसके बाद हम देंगे प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स के बाद हम देते हैं सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप. सो लेट्स हैव अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जस्ट वी आर हैविंग साइनाइड्स. हमारे पास साइनाइड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, या इनको हम नाइट्राइल्स भी कहते हैं. साइनाइड्स और नाइट्राइल, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज CN. तो यहां पे जो सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं दैट इज व्हाट, नाइट्राइल, है ना. नाइट्राइल इज द सेकेंडरी सफिक्स, नाइट्राइल, ठीक है. ओके लेट्स सी. क्योंकि अगर हमारे पास जस्ट लाइक दिस होगा CH3 उसके बाद CN, है ना. ये एक्चुअली CN कैसे होता है, C ट्रिपल बॉन्डेड एंड, है ना. कार्बन इज ऑलवेज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स एंड दैट टू कोवलेंट. कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है और चारों के 4 कोवलेंट हुआ करते हैं. तो यहाँ पे इसमें कितने कार्बन एटम्स है, 2 है. सो वर्ड रूट विल बी इथ. उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये जो है दिस इज कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड. इसको हमें नहीं देखना है. जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना होगा, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड होगा, तो आपको सिंपली कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है. अगर कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड्स है दैट्स योर सैचुरेटेड, और अगर कार्बन कार्बन एक भी बॉन्ड डबल होगा या ट्रिपल देन इट्स अनसैचुरेटेड. तो ई था ना, उसके बाद एन का यूज करेंगे, पर एन का ई जो है ओमिट यहाँ पे नहीं होगा, राइट. दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एन जो है ये वॉवेल लेटर नहीं है, ये उनमें नहीं आता है, AEIOUI, है ना. तो यहाँ पे आप रिटर्न इसको करेंगे, इट इज टू बी रिटर्न, इसको हम ओमेट यहाँ पे नहीं कर दें. सो इट इज इथेन नाइट्राइल. इसका करेक्ट IUPAC नाम जो होगा दैट विल बी इथेन नाइट्राइल.
सिमिलरली कोई भी आप ले सकते हैं, जस्ट लाइक दिस सी एच थ्री, लेट्स से सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, एंड देन इट इज सी, है ना, कुछ ऐसे करके। तो इसमें कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हम जो यूज करेंगे दैट्स हेक्स। उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो दैट्स हेक्सेन। उसके बाद नाइट्राइल, एक ही पूरा वर्ड लिखना है, सो हेक्सेन नाइट्राइल, इट विल बी डिस्क्राइब्ड एपिसिनम। ऐसे हम साइनाइड्स या नाइट्राइल्स को एपिसिनम दिया करते हैं, ठीक है। तो किसी के लिए भी हम नाम दे सकते हैं एपिसिन। तो सेकेंडरी सफिक्स का ऐसे यूज किया जाता है। सिमिलरली हमारे पास है, जस्ट वी आर हैविंग द इस्टर्स, है ना, इस्टर्स का नाम कैसे देंगे? देखो इस्टर्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट सी ओ ओ एंड आर, राइट। तो ये जो आर कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, इसके लिए जो हम यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज द ओएट, ओ ए टी, ओएट, राइट। पर पहले यहाँ पे क्या किया जाता है, हाँ बस ये आप याद रखें, दिस इज द सेकेंडरी सफिक्स। पर जब नाम देंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल हमें इसका नाम देना होगा, इट इज सी एच थ्री, देन इट इज सी ओ ओ एंड देन इट इज सी एच थ्री, राइट। इसका नाम देना है तो कैसे नाम देंगे? तो पहली बात यहाँ पे ये है, पहले यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है दैट इज ओ सी एच थ्री का, है ना, अल्कोक्सी। फॉर एग्जाम्पल इसको जनरल पहले लिखते हैं, यहाँ पे ये, यहाँ पे हमारे पास लेट्स से ये सी एच थ्री है, उसके बाद सी ओ, देन इट्स ओ एंड आर। तो ये जो हमारा ओ आर है इसको हम पहले नाम देते हैं, ये अल्कोक्सी कहलाता है। ओ आर इज आवर अल्कोक्सी ग्रुप, राइट। ओ आर, आर इज द अल्काइल, पर जब ओ आर होगा इसको अल्कोक्सी हम पढ़ते हैं। फिर हम वैसे ही नाम देंगे, पहले ये इसका नाम दिया ओ आर का। अब देखो ये आपकी चैन है, मैन चैन, इसमें दो ही कार्बन है, देखो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके कार, इस चैन के अंदर यहां पे सिर्फ दो कार्बन है। क्यों दो है? क्योंकि उसके बाद चैन यहां पे ब्रेक होती है। अब यहां पे बीच में ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन के बाद ये अल्काइल जो है इसमें भी कार्बन होंगे डेफिनेटली, है ना, मिथाइल होगा जैसे यहां पे लिखा, पर ये कार्बन काउंट नहीं होगा इस चैन के अंदर। चैन में सिर्फ दो ही कार्बन है, इसका कार्बन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ पढ़ा जाता है अल्कोक्सी। जैसे यहां पे ओ सी एच थ्री है, इसके लिए हम लिखेंगे मिथ ऑक्सी, इसके लिए हम लिखेंगे मिथ ऑक्सी। अब वैसे ही जैसे हम वर्ड रूट देते थे वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो दो कार्बन है चैन के अंदर, तो दैट्स योर एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट्स एन। अब एन का ई ओमेट होगा बिकॉज ओ यहाँ पे वॉवल है, सो इट इज इथेनोइट। इसको अब हम पढ़ेंगे अल्कोक्सी इथेनोइट, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, मिथ ऑक्सी। यहाँ पे भी दो कार्बन है अब चैन के अंदर, सो दैट्स योर एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट्स एन, एंड देन इट इज ऑइट, एन का ई ओमेट होगा, सो इट इज मिथ ऑक्सी इथेनोइट। ऐसे आपको आना चाहिए इस्टर्स का नाम देना। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज सी एच थ्री, देन इट इज सी एच टू, देन इट इज, ओके लेट्स से इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, देन इट इज ओ एंड हियर इट इज सी एच टू सी एच थ्री। तो मैंने क्या कहा, पहले इस्टर्स में इस ओ आर का नाम दिया जाता है, इट्स इंपॉर्टेंट, ओ आर का नाम। ओ आर यहाँ पे क्या है, दिस इज ओ एंड आर इज अवर व्हाट। देखो जब मिथाइल था ऑक्सीजन के साथ इसको पढ़ा मिथ ऑक्सी, जब इथाइल होगा ऑक्सीजन के साथ इसको हम पढ़ते हैं इथ ऑक्सीजन, सिंपल है इथ ऑक्सी। उसके बाद अब देख लो चैन, मैन चैन जो है ये मैन चैन नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ है, ये अल्कोक्सी है, ये एक्चुअली सबस्टिट्यूएंट है। ये हम अभी देखेंगे जब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे, ठीक है। अभी बस यहाँ पे आप इतना याद रखो, पहले इस्टर्स में इसका नाम दिया जाता है ओ हार का, क्योंकि ये सबस्टिट्यूएंट है, इसीलिए इसका पहले हम लिखते हैं, ठीक है। सबस्टिट्यूएंट जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये अभी आ जाएगा, आप बस ध्यान रखिएगा। मैन चैन अब जो है दैट्स जस्ट लाइक दिस, यहां से लेकर यहां तक इसमें तीन कार्बन है। अब आप बताओगे मैन चैन ये है, यस यही है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम्स ज्यादा है और यहाँ पे ऑक्सीजन चैन को ब्रेक कर रहा है, इसलिए ये दो कार्बन एटम्स जो है काउंट नहीं हो जाएंगे इस मैन चैन के अंदर। सो 1, 2, 3 दैट्स योर प्रॉप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट्स एन, एन का ये ओमेट होगा, देन इट इज ऑइट, सो इट इज इथ ऑक्सी प्रोपेनॉइट, इथ ऑक्सी प्रोपेनॉइट।
सो आई होप कि यहाँ पे आया होगा आपको एस्टर्स का नाम देना। सिमिलरली हमारे पास होता है एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट्स योर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल या सी ओ सी एल, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज द ऑयल क्लोराइड, दैट इज द ऑयल क्लोराइड। सो ऑयल क्लोराइड इज द सेकेंडरी सफिक्स यूज्ड फॉर एसिड क्लोराइड। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग द नेम। अगर हमारे पास ये सी एच थ्री है देन इट इज सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे ये सी एल है, तो कहां से स्टार्ट करना, वर्ड रूट से। वर्ड रूट इसमें दो कार्बन है सो वर्ड रूट विल बी डेफिनेटली एथ है ना। उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट्स योर एन, और एन का ई ओमिट होगा क्योंकि ऑयल का ओ जो है वॉवल है, सेकेंडरी सफिक्स का जो पहला लेटर है वो वॉवल है, ये रूल है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, ई ओमिट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। अब इसका पूरा नाम जो होगा दैट विल बी इथेनॉयल क्लोराइड, सो इट विल बी इथेनॉयल क्लोराइड, ऐसे करके आपका आना चाहिए इथेनॉयल क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, जस्ट वी आर हैविंग दिस वन सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ये भी वही है सी ओ सी एल, बस बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाया गया है। बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है तो उसका प्रीवियस पार्ट आप देख सकते हैं जिसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन डिस्कस हुआ है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन के लिए वी विल यूज द बिट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट्स एन, एन का ई ओमिट होगा सो देन इट इज सेकेंडरी सफिक्स ऑयल क्लोराइड, सो इट इज ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, सो दिस विल बी इट इज आईओपीएसी ना। ऐसे करके आप यहाँ पे याद रखेंगे कैसे हम सेकेंडरी सफिक्स का यूज करते हैं टू गिव द नेम। सिमिलरली अगर हमारे पास वैसे हमारे पास थायो अल्कोहल्स है, थायो अल्कोहल्स जो हुआ करते हैं इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट्स एस एच है ना। अल्कोहल्स जो है उनमें ओएच फंक्शनल ग्रुप होता है, थायो अल्कोहल्स में एस एच इज द फंक्शनल ग्रुप। तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे दैट इज द थायोल है, थायोल। तो डेफिनेटली कैसे आप नाम देंगे, लेट्स सी, अगर ये हमारा पहला मेंबर है इसका सी एच थ्री एस एच तो क्या करेंगे, वो रूट से स्टार्ट करेंगे, एक ही कार्बन इसके अंदर है सो इट्स मिथ सैचुरेटेड है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, आप इसके ओपन स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं कोई भी डबल बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे एन का हम यूज करेंगे, मीथ है। अब एस एच ये जो है इट रिप्रेजेंट्स द सेकेंडरी, ये फंक्शनल ग्रुप है तो सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए यूज करेंगे दैट इज द थायोल, सो इट इज मीथेन थायोल। अब यहाँ पे ई मैंने ओमेट क्यों नहीं किया, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ई इसलिए ओमेट नहीं हुआ बिकॉज टी जो है दैट इज द कॉन्सोनेंट, इट इज नॉट वॉवल, ये हम तभी ओमेट करते हैं व्हेन वी हैव वॉवल लेटर्स इन द सेकेंडरी सफिक्स, सो इट विल बी मीथेन थायोल। अब किसी का भी आपको नाम आना चाहिए था ना, सो लेट्स हैव दिस वन, वी आर हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन एटम्स है सो वर्ड रूट विल बी ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सो वी विल यूज द एन, सो इट इज ब्यूटेन थायोल। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स थायोल, तो ऐसे हम नाम दिया करते हैं। सिमिलरली हमारे पास एसिड अमाइड्स अनदर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, एसिड अमाइड्स जो है इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू या सी ओ एन एच टू, तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं दैट इज द अमाइड। अब यहाँ पे कैसे फिर हम नाम देंगे, आई होप कि आप याद रखेंगे ए वॉवल है तो डेफिनेटली ई ओमेट हो जाएगा। ओके लेट्स सी, दिस इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एसिड अमाइड है, तो इसमें वर्ड रूट पहले वर्ड रूट से हम स्टार्ट करेंगे है ना, ऑर्डर मैंने बता के रखा, पहले वर्ड रूट देन प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। ओके लेट्स सी, दो कार्बन है दैट्स ई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट्स एन, अब एन का ई जो है ओमिट करेंगे बिकॉज ई जो है वॉवल, सो इट इज इथेन, उसके बाद अमाइड, सो इथेन अमाइड विल बी द करेक्ट आईओपीएसी नेम फॉर दिस एसिड अमाइड है ना। कोई भी एसिड अमाइड आप ले सकते हैं, सो
सो लेट्स से वी आर हैविंग दिस वन एसिडामाइड, है ना, यहाँ पे ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है. विच वन? सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाया गया है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू, ये पूरा एमाइड फंक्शनल ग्रुप है. लेट्स सी कितने का और, ओके लेट्स से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अभी नंबरिंग के साथ आपको कुछ नहीं है, बस अभी आपको सिंपली नाम आना चाहिए, देन फिर हम जब रूल्स पे आ जाएंगे तब हम डिटेल में सीखेंगे कैसे हम नंबरिंग दिया करते हैं. देखो कितने का और, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 के लिए वर्ड रूट जो हम यूज करेंगे दैट्स हेक्स. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो एन का यूज नहीं करेंगे, ईन का यूज करेंगे, ई एन ई. बट ई एन ई जो है ईन का भी ई ओमिट हो जाएगा बिकॉज ई इज वोवेल. सो यहाँ पे हम लिखेंगे इट विल बी नाउ हेक्सेनअमाइड. हेक्सेनअमाइड जो होगा इट विल बी इट इज करेक्ट आयोडीन. इसके साथ ये हमने सीख लिया सेकेंडरी सफिक्स हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे इतना ही डिस्कस करेंगे, बाद में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे रूल्स पे जब आएंगे तब और ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. नाउ लेट्स सी अनदर, जो फॉर्मूला मैंने बताया था फोर्थ नंबर पे, दैट इज द प्राइमरी प्रीफिक्स. सो प्राइमरी प्रीफिक्स जो है व्हाट इट इंडिकेट्स, प्राइमरी प्रीफिक्स कहां पे हम यूज करते हैं, सिंपली आप याद रखेंगे इट इंडिकेट्स या इट रिप्रेजेंट्स साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड. जब भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा साइक्लिक वन होगा तब हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इफ वी आर हैविंग एसाइक्लिक कंपाउंड, जो हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड होगा जिसमें स्ट्रेट चैन होगा, जिसमें रिंग नहीं होगा, जिसमें चैन क्लोज नहीं होगा, वहां पे हम प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं. ये सिंपली कब लगाते हैं, जब साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जब क्लोज चैन होगी, जब कार्बन की जो चैन है वो क्लोज होगी तब हम प्राइमरी प्रीफिक्स लगाते हैं. और क्या लगाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, दैट इज द साइक्लो. बस इतना सा याद रखना है, साइक्लो इज द प्राइमरी प्रीफिक्स जो हम यूज करते हैं ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके लेट्स सी. देखो अभी हमने देखा अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है CH2, यहां पे भी CH2. अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये जो ग्रुप्स है तीन कार्बन एटम्स जो यहाँ पे हैं, ये इन्होंने रिंग बनाई है, यहाँ पे चैन जो है इट्स क्लोज्ड, क्लोज्ड चैन ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे कहां से स्टार्ट करेंगे, देखो प्राइमरी प्रीफिक्स के साथ अभी कुछ नहीं करना है, वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे बताया है, जहां से बताया है वो रूट से. तीन कार्बन है सो डेफिनेटली इट इज प्रूप, है ना. उसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे एंड. इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई भी नहीं. अब आ जाओ फोर्थ पे, फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते थे, यहाँ पे तो है प्राइमरी प्रीफिक्स. देखो रिंग फॉर्म में है तो यहाँ प्रीफिक्स वर्ड से पहले लिखते हैं हम, राइट, यू ऑलरेडी नो इट. सो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइन. तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसी को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसको कैसे दिखाएंगे, जस्ट लाइक ए ट्रायंगल. तो ये भी यही है, ये जो मैंने दिखाया इट इज ऑल्सो दिस सेम, है ना. यहाँ पे तीन कार्बन है सो दैट्स प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एंड, तो साइक्लो हम यूज करेंगे एज प्राइमरी प्रीफिक्स. तो सिमिलरली इसका नाम फिर आपको आना चाहिए, है ना, चार कार्बन इसके अंदर है, 1, 2, 3, 4 और चारों रिंग के फॉर्म है तो इसका नाम क्या होगा, चार के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड रूट, दैट्स ब्यूट. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है दैट्स ब्यूटेन, रिंग फॉर्म में है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो का यूज करेंगे सो इट्स साइक्लोब्यूटेन. सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना आपको नाम आना चाहिए ना, कोई भी साइक्लिक, जैसे ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कितने कार्बन इसके अंदर है, जहां पे भी पॉइंट कॉर्नर है वहां पे कार्बन होता है, ये ऑलरेडी हमने बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखा हुआ है. सो 1, 2, 3, 4, 5 पांच कार्बन दैट्स पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पेंटेन, रिंग फॉर्म में है तो साइक्लोपेंटेन. सिमिलरली अब अगर ऐसा होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, कहीं पे डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लेट्स से ये डबल लाइन दिखाई हुई है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड है. तो कहां से स्टार्ट करेंगे नाम देना, पहले इसमें चार कार्बन एटम है सो दैट्स योर ब्यूट, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो दैट्स योर ब्यूटी, अब ये रिंग फॉर्म में है तो इट्स साइक्लोब्यूटी. सो राइट, ऐसे करके
हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो अभी आगे और डिटेल में देखेंगे, तो पहले यहाँ पे अब हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। ये कंप्लीट कर लेते हैं इस फॉर्मूला को जो मैंने आपको बताया है कि जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पॉइंट इन दिस फॉर्मूला, दैट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो कहां पे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, व्हाट इट इंडिकेट्स, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो अब याद रखेंगे दैट इट रिप्रेजेंट्स सबस्टिट्यूएंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, दैट इज द सबस्टिट्यूएंट। देखो एक होता है फंक्शनल ग्रुप, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सभी केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ करते हैं। और दूसरा होता है सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट जो होता है इट इज सिंपली, इट कैन बी अल्काइल ग्रुप, इट कैन बी एनी हैलोजन, है ना, जिसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ सकता है, बट इट डजंट डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबस्टिट्यूएंट क्या क्या हो सकता है, जैसे आप देखते हैं क्रिकेट मैच के अंदर भी किसी प्लेयर के बदले दूसरा प्लेयर हम डालते हैं जब वो जख्मी हो जाता है, इंजर्ड, तो दैट्स कॉल्ड द सबस्टिट्यूएंट, है ना, उसके बदले में। तो यहां पे सबस्टिट्यूएंट आप याद रखेंगे क्या क्या हो सकता है। सबस्टिट्यूएंट कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप सबस्टिट्यूएंट एक्ट करता है। सो जैसे हमारे पास मीथा CH3 अल्काइल ग्रुप है, तो इसके लिए सिंपली हम सेकेंडरी प्रीफिक्स जो यूज करेंगे दैट विल बी मीथाइल, है ना। सिमिलरली हमारे पास C2H5 होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे इथाइल। जो अल्काइल का नाम है वही सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज करेंगे, जैसे मिथाइल के लिए मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, दे आर ऑल सबस्टेंट्स। सो एक होता है अल्काइल ग्रुप एज सबस्टेंट। सिमिलरली सबस्टेंट कैन बी एनी हैलोजन, हैलोजन्स आल्सो एक्ट एज सबस्टेंट्स। जैसे क्या क्या हो सकता है, देखो हैलोजन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट विल बी हैलो, है ना, हैलो, इतना है। जैसे फ्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। क्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे क्लोरो। सिमिलरली ब्रोमीन के लिए हम यूज करेंगे ब्रोमो, एंड आयोडीन के लिए हम यूज करेंगे आयोडो। ऐसे करके हम देते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स फॉर दीज हैलोजन। सिमिलरली We can also have substituent that is the alkoxy, जो अभी बताया था in case of esters, है जो OR है इसको हम alkoxy कहते हैं, alkoxy। जैसे क्या क्या हो सकता है, OCH3 हो सकता है, तो ये भी substituent है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, methoxy, methoxy। सिमिलरली हमारे पास OCH2CH3 है, इसको हम पढ़ेंगे, इसके लिए जो हम secondary prefix देंगे that will be ethoxy, that will be ethoxy। similarly अगर propane होगा propyl group होगा oxygen के साथ तो propoxy, similarly butoxy, right, ऐसे करके। similarly substituent क्या हो सकता है, substituent can be NO2, nitro group, है ना, nitro जो है nitro हम use करेंगे as secondary prefix for NO2 group। similarly NO होगा किसी organic compound के अंदर, ये भी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं किया जाता है, इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू IUPAC। तो इसके लिए भी हम यूज करते हैं नाइट्रोसो। सो नाइट्रोसो का यूज करेंगे एज सेकेंडरी प्रीफिक्स। नेक्स्ट जो यहां पे आप याद रखेंगे दैट इज, हाँ, अगर हमारे पास ऐसे होगा N-NNN जस्ट लाइक दिस, तो इसके लिए जो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे दैट इज डायएजो। सिमिलरली इथर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इथर्स में क्या होता है, इथर्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक्चुअली डायवेलेंट ऑक्सीजन होता है एज फंक्शनल ग्रुप, डायवेलेंट ऑक्सीजन, ठीक है। तो इथर्स में एक्चुअली यहां पे इस साइड भी और होगा और इस साइड भी और होगा, तो ये जो ओह और है इसको सबस्टिट्यूएंट हम ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC। इथर्स में ये जो ओह और है इट इज ट्रीटेड एज सबस्टिट्यूएंट। तो ओह और क्या है, अल्कोक्सी, तो जो भी ये आर होगा उसी के हिसाब से हम नाम देंगे, मिथाइल होगा तो मिथॉक्सी, इथाइल होगा तो इथॉक्सी। ओके लेट्स स्टॉप, जैसे हमारे पास ये है CH3CH2 देन इट्स ओ देन इट्स CH3, तो कैसे इसका नाम देंगे, ये इथर है हमारा, तो देखो वर्ड रूट से स्टार्ट करेंगे। वर्ड रूट जो है इसमें हम देखते हैं कि मैन चैन जो है उसके अंदर कार्बन कितने हैं, दो ही है, ये कार्बन हम कंसिडर नहीं करते,
ये जो ओ सी एच थ्री, इसके लिए हम अलग से नाम देते हैं, ये सबस्टिट्यूएंट है, इसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स देंगे। व्हाई इट इज सो, एक्चुअली मैंने ये आपको बता दिया दैट ये जो दो कार्बन है उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये चैन को ब्रेक कर रहा है, इट ब्रेक्स द चैन, इसलिए एक मैन चैन में दो ही कार्बन है, तो क्या लिखेंगे आप, ईथ वर्ड रूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सो इट्स ईथेन। अब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कोई भी नहीं, अकॉर्डिंग टू IUPAC इन केस ऑफ ईथर्स ये जो ओ सी एच थ्री है, ये जो ओ और है, इसको सबस्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, इसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब देखो ये साइक्लिक भी नहीं है, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स तो यूज ही नहीं करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स ओ सी एच थ्री के लिए क्या यूज करेंगे, मिथ ऑक्सी, तो वो वर्ड रूट से पहले लिखेंगे मिथ ऑक्सी, सो जस्ट लाइक दिस मिथ ऑक्सी ईथर, तो ऐसे करके आपको आना चाहिए। सो जस्ट वी आर हैविंग दिस सिंपल वन CH3OCH3, तो पहले मैन चैन जो है उसके अंदर एक ही कार्बन है, सो दैट्स मिथ, सैचुरेटेड है तो एन का यूज करेंगे एज है ना वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। तो अब यहाँ पे ये जो OCH3 है इट इज सबस्टिट्यूएंट, इसके लिए हम यूज करेंगे मिथ ऑक्सी, तो वर्ड रूट से पहले आएगा, सो इट इज मिथ ऑक्सी मीथेन, जस्ट लाइक दिस। सिमिलरली अब आपको आना चाहिए, सो जस्ट वी हैविंग दिस CH3CH2CH2, यहाँ पे Cl लिखा हुआ, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए हम यूज करेंगे क्लोरो, पर ये क्या यूज करेंगे एज सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो पहले वर्ड रूट जो है इसके अंदर तीन कार्बन है, सो डेफिनेटली इसका नाम जो हम देंगे दैट इज प्रॉप, है ना, पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट प्रॉप, तीन कार्बन के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सो इट्स प्रोपेन, यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपली ये जो क्लोरीन है ये सबस्टेंट है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे दैट विल बी द क्लोरो, सो इट इज क्लोरो प्रोपेन। तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट इन केस ऑफ दिस वन, लेट्स सी यहां पे हमारे पास अगर है CH3 देन CH2Br, तो यहां पे आप देख सकते हैं दैट इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, पहले वर्ड रूट दैट्स ईथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट्स ईथेन, तो यहां पे हम लिखेंगे ब्रोमो ईथ, दिस विल बी इट्स करेक्ट नाम। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल सेकेंडरी प्रीफिक्स में, जैसे नाइट्रो कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं, तो नाइट्रो कंपाउंड्स में जो ग्रुप होता है प्रेजेंट दैट्स NO2 ग्रुप, ओके लेट्स सी अगर हमारे पास ये नाइट्रो कंपाउंड्स में हम एग्जाम्पल देंगे CH3 then it is CH2NO2, तो NO2 is not the functional group, it is only a substituent, तो word root से start करेंगे, दो carbon है word root carbon chain के अंदर, so definitely it is eth, उसके बाद carbon carbon single bond that's ethane right, इसमें कोई भी functional group नहीं है, तो ये nitro क्या है substituent, इसके लिए क्या use करेंगे secondary prefix, so यहाँ पे हम लिखेंगे it is nitroethane, सो जस्ट लाइक, तो ये आपको आना चाहिए समझ में। सिमिलरली अभी मैंने आपको बताया था esters में है ना, जैसे ये CH3COOCH3 है, तो इसमें भी क्या है वी आर हैविंग OCH3 जो है ये सबस्टेंट है, तो इसीलिए इसका नाम हम पहले लिखते थे, तो क्या लिखते थे मिथ ऑक्सी, उसके बाद है ना वर्ड रूट यहाँ पे इथ, एक्चुअली आप यहां से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, ताकि आप नाम किसी का भी इजिली दे सकते हैं, कहां से मैन चैन जो है उसके अंदर दो ही कार्बन है, ये कार्बन आपको इस चैन में कंसिडर नहीं करना है, तीन कार्बन यहाँ पे नहीं है, मैन चैन में दो ही है क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेक्स द चैन, सो वी विल यूज द वर्ड रूट इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दैट्स इथेन, अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज COO इस्टर है, तो इथेनोइट ऑइट यहाँ पे यूज करेंगे, E is to be omitted, और ये जो OCH3 है ये सबस्टेंट है, इस according to IUPAC इसके लिए हम यूज करेंगे मिथ ऑक्सी, सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स अप्लाई ऑल दीज फाइव स्टेप्स है ना जो हमने अभी तक ये सीखे, एक ही कंपाउंड के अंदर हम इनको अप्लाई कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आया होगा कैसे इनको यूज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है, ओके वी हैव टू गिव नेम है ना, बस यही जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसको नाम देने के लिए, तो कहां से स्टार्ट करना है, पहला
वुड रूट इसके लिए क्या आएगा, देखो कार्बन नंबर हमें देखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, 1, 2, 3, 4 and 5 कार्बन इसके अंदर है, तो वुड रूट विल बी पैन। दूसरा जो है वुड रूट के बाद हम क्या यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स किसके लिए डिनोट किया जाता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट इज डेफिनेटली अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सो वी विल यूज द ई। अब सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो ओ एच इज द फंक्शनल ग्रुप, उसके लिए हम यूज करेंगे ऑल। अब प्राइमरी प्रीफिक्स पे आ जाओ, प्राइमरी प्रीफिक्स ये साइक्लिक फॉर्म है, क्लोज्ड चेन है, तो साइक्लो यूज करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज करेंगे, ब्रोमो के लिए, क्योंकि ये सबस्टेंट है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्रोमो। तो अब इनको कैसे हम ज्वाइन करेंगे है ना, यहां से भी या ऐसे करके भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो इट इज ब्रोमो, पहले क्या लिखेंगे ब्रोमो, ऐसे ऑर्डर में इसको हम लिखेंगे ब्रोमो, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद वी आर हैविंग, हाँ देखो यहाँ पे पूरा ये ऐसे नहीं आएगा, ऑर्डर वही हम रखेंगे जो मैंने बताया था, कौन सा ऑर्डर, पहले वुड रूट इज द पैंट, उसके बाद यहाँ पे ईन। अब ईन का जो ओ है वॉवल है तो ई ओमिट हो जाएगा, सो इट्स पेंटिनॉल। देन इट इज हियर साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स दैट इज ब्रोमो, it's bromo cyclo pentanol. So I hope that you have understood this formula with the help of which you can give IUPAC name to any easy organic compound. Uske baad jo next rules honge wo next part mein hum seekhenge. Thank you for watching.